गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स मैथ की क्लास में हमारी एक्सरसाइज है आज की 3.6, जिसमें हम निकालेंगे एचसीएफ। और एचसीएफ को हम करेंगे दो तरीकों से, एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक है डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, हम सिंपल इस तरीके से करेंगे जिसमें प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से, और इसमें 48 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 से हमें उस नंबर से डिवाइड करना है जो कि स्मॉल प्राइम नंबर है, अगर उससे डिवाइड नहीं होता फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट पे, यानी सबसे स्मॉल प्राइम नंबर था 2, 2 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर 3 से देखेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, इस तरीके से। तो 2 से डिवाइड हो जाता है फिर 24, फिर 2 से डिवाइड हो जाता है फिर 12 है, ये भी 2 से डिवाइड, फिर इस तरीके से। तो 18 के जो फैक्टर्स है वो आए 2, 3 और 3, और 48 के जो फैक्टर्स है वो है हमारे 4 टाइम्स 2 और 3। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसमें हम क्या करते हैं, जो 18 के जो फैक्टर हैं, 18 के जो फैक्टर है और 48 के जो फैक्टर हैं, उसमें हम कॉमन देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक तो कॉमन फैक्टर हो गया 2। अब इसमें क्या है, 3, 2 टाइम्स 3 है, लेकिन इसमें क्या है 1 टाइम्स 3। तो हम क्या करेंगे, एक ही 3 को काउंट करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ एक बार जो 3 है उसी को काउंट करेंगे, जो बाकी जो रह जाते हैं उनको हम छोड़ देंगे। तो ये होता है एचसीएफ में, यानी जो कॉमन है सिर्फ उनको लिखेंगे, दोनों में जो कॉमन है 18 और 48 में, यहाँ पर 2 और 2 दोनों में कॉमन था ले लिया, यहाँ पर 3 और 3 ये भी दोनों कॉमन था इसको भी ले लिया, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 6, ये हमारा हो जाएगा एचसीएफ। अब अगर इसी सम को इस तरीके से ना करके अगर छोटा तरीका हमें देखना है जिसमें हम टाइम कम लेते हैं, तो वो तरीका है हमारा डिवीजन का। जैसे इसमें 18 और 48, सिर्फ कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है उसको हम ले लेंगे डिवाइडेंड के रूप में, और जो छोटी वैल्यू उसको हम ले लेंगे डिविजर के रूप में, यानी बड़ी वैल्यू को हम रखेंगे अंदर और छोटी वैल्यू से हम उसको करेंगे डिवाइड। अब 18 का टेबल, जैसे 18 × 36, यहां पर रिमाइंडर आ गया 12। अब जब तक आपको करना है जब तक रिमाइंडर जीरो ना हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखना है यहां पर पॉइंट नहीं लगाना है, क्या करना है, यहां पर जो रिमाइंडर आया उसको अब हम बना देंगे अपना डिविजर, और डिवाइडेंड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जिससे हमने पिछली बार डिवाइड किया था, यानी जो पिछली बार डिविजर था वो बन गया अब हमारा यहाँ पर डिवाइडेंड, और जो रिमाइंडर है वो बन गया अब हमारा डिविजर। अब 18 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 × 12, फिर आ गया 6। अब जो 6 है, जो रिमाइंडर आया है वो बन जाएगा हमारा डिविजर, और जो पहले डिविजर था 12 वो हमारा हो जाएगा डिवाइडेंड, यानी 6 × 12। अब जब लास्ट में यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो लास्ट टाइम पे जो डिविजर आया था, जो लास्ट टाइम जो डिविजर था उसको हम लिखेंगे एज एचसीएफ, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। इस तरीके से भी 6 आता है आंसर, और इस तरीके से भी 6 आता है, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से इसको करेंगे। हम अपना दूसरा देख, पहले एक बार फिर समझा देता हूं, 18 और 48 थे, 18 के प्राइम फैक्टर्स किए, 48 के प्राइम फैक्टर्स किए, दोनों में 18 और 48 में क्या कॉमन है, सिर्फ वो प्राइम नंबर्स लिखे, 2 दोनों में कॉमन था, 3 दोनों में कॉमन था, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6। इसमें क्या किया, जो बड़ी वैल्यू है उसको हम अंदर रखेंगे यानी डिवाइडेंड के रूप में, और जो छोटी वैल्यू उसको रखेंगे डिविजर के रूप में। तो 18 × 36 यहाँ पर बच गया रिमाइंडर, अब जो रिमाइंडर आया है उससे हम डिवाइड करेंगे, जिससे हम जो लास्ट टाइम जो यहाँ पर डिविजर का रूप था, तो डिविजर था यहाँ पर 18, तो यहाँ पर 18 को अंदर ले लेंगे, अब 12 से 18 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 रिमाइंडर। अब 6 से किसको डिवाइड करेंगे, लास्ट टाइम जिससे हमने डिवाइड किया था, तो 12 को अब अंदर ले लेंगे, 6 × 12, लास्ट टाइम जो हमारा डिविजर आएगा वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। हम जैसे एक दो पार्ट और करके देख लेते हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, जोन सा भी तरीका आपको इजीली समझ में आ जाए उस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे 30 और 42, ये है हमारा सेकंड पार्ट,
30, पहले 30 के पेयर बनाए, फैक्टर्स 15 पे, फिर 3 5 जा 15, 42, 2 से डिवाइड हो गया 21, 3 से डिवाइड होगा 7, तो 30 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5, और 42 के क्या हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 6। अब इस तरीके से करेंगे 30 एंड 42, तो 42 बड़ी वैल्यू है तो उसको अंदर लेंगे, छोटी वैल्यू को बाहर, 31 जा 30, 12 रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर है, इससे डिवाइड करेंगे किस वैल्यू को, जो बाहर पहले वैल्यू थी, 12 2 जा 24। अब इस वैल्यू से हम डिवाइड करेंगे जो यहां पर जिससे हमने लास्ट टाइम डिवाइड किया था, 6 2 जा 12। लास्ट टाइम डिविजर क्या आया है हमारा 6, तो लास्ट टाइम जो डिविजर आया है वही हमारा क्या हो जाएगा HCF। इस तरीके से हम करेंगे, तो हमारे जैसे फर्स्ट सेकंड पार्ट हमने किया है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट यानी एफ पार्ट तक क्या है आपको करके देखने हैं। उसके बाद क्या आता है हमारी तीन वैल्यूज का आ जाता है, जिसमें हम थ्री वैल्यूज होंगी, हमने क्या किया है यहाँ पर टू वैल्यूज के किए हैं। अब एक पार्ट में करवाता हूं थ्री वाला, और बाकी के जो पार्ट है वो आप अपने आप करेंगे, जैसे है जी वाला पार्ट 70 105, और थर्ड वैल्यू है 175। 70 के जब हमने फैक्टर्स निकाले 35, 57 जा 105 के फैक्टर्स 3 से 35, 57 जा 175, 5 से करेंगे तो यहाँ पर भी इस तरीके से हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे। अब 70 के फैक्टर्स 2 इंटू 5 इंटू 7, 105 के फैक्टर्स 3 इंटू 5 इंटू 7, और 175 के फैक्टर्स 5 इंटू 5 इंटू 7। तीनों में क्या देखने बेटा, कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है 2, और किसी में नहीं है तो 2 को हम नहीं लिखेंगे, 5 है इसमें भी, है इसमें भी और इसमें भी, तो 5 क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर। 7 तीनों में है तो 7 भी क्या हो जाएगा कॉमन फैक्टर, तो 35 क्या आ जाएगा हमारा HCF। ये तो क्या था प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब है 70 105 और 175, कोई भी दो वैल्यू हम पहले ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 105 और 70, 1 से डिवाइड करेंगे 35 आ गया, फिर क्या करेंगे 70 से को डिवाइड करेंगे 35 से, तो 35 टू जा 70, तो इन दोनों का हमारा क्या आ गया आंसर 35। अब हमारे पास दो नंबर है, एक 35 और एक है 175। अब हम इसको करेंगे तो 175 को 35 से डायरेक्ट क्या हो जाएगा 5 पे डिवाइड, तो लास्ट टाइम डिविजर क्या है हमारा 35, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 35। क्या करना है आपको, पहले दो नंबर्स ले लेते, कोई भी दो नंबर आप चाहे ये लो, फर्स्ट वाला लास्ट वाला लो, या लास्ट सेकंड कोई भी लो आप नंबर, पहले हम उसका HCF निकालेंगे डिवीजन वाले तरीके से, तो हमने यहाँ पर आ गया हमारा 35। अब इस 35 यानी इन दोनों का जो आउटपुट हमें मिला है, दोनों का आउटपुट हमें क्या मिला है 35। अब 35 और 175 का हम डिवीजन वाले तरीके से HCF निकालेंगे, तो हमारा ये डायरेक्ट यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, तो हमारा जो लास्ट टाइम डिविजर क्या है 35, ये हमारा हो जाएगा HCF। इस तरीके से आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन और डिविजन वाला तरीका, जो भी तरीका आपको इजीली समझ आ जाए उस तरीके से आपको करने हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन डिविजन वाले में टाइम कम लगेगा, तो दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं। आज हम अपना फर्स्ट जो सम है वही करेंगे, कुछ पार्ट मैंने समझा दिए हैं, कुछ पार्ट आपको अपने आप करने हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नेक्स्ट सम। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।